नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रम्पटन ग्रिप्स कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। और उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुछ दिन से एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे तीन लगातार ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, उसके बाद में लास्ट 2 डेज में अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या इस स्टॉक में कौन सा लेवल पे बाइंग करना चाहिए, क्या इसका टारगेट हो सकता है, कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक होता है। एक नीचे एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद में एक नीचे बॉटम लेवल पे मिलता है, उसी स्टॉक के बारे में हम इस चैनल पे डिस्कशन करते हैं कि सही स्टॉक को एक सही लेवल पे कब बाइंग किएंगे और उसी हिसाब से कौन सा टारगेट तक लेके चलेंगे। यही सारी चीज स्टॉक के एक अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, देख लीजिए कंपनी का आज के दिन का कारोबार से हम आप बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर आज के दिन का कारोबार देखते हैं तो यहाँ पे आज के दिन में एनएसई पे जो क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है 20,80,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और जो डिलीवरी उठाया गया 10,70,000 क्वांटिटी, 72,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 51% का डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है आज के दिन में, ठीक है, एनएसई पे। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी का अगर हम बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, क्रम्पटन ग्रिप्स जो कंपनी है यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है, तो ये इज द वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर कंपनी इन इंडिया विथ 75+ ईयर्स ओल्ड ब्रांड लेगेसी। तो कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 75+ ईयर्स देखने को मिलता है। और उसी के साथ में कंपनी का अगर हम देखेंगे, कंपनी का यहाँ पे जो बिजनेस देखने को मिलता है, तो कंपनी का दो बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो एक लाइटिंग है, उसके साथ में इलेक्ट्रिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। इस चीज को अगर हम देखते हैं, देखिए कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू मॉडल देखने को मिलता है, कंपनी का इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल से यहाँ पे जो रेवेन्यू देखने को मिलता है 80% का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्रम्पटन गैप्स के अगर आप देखेंगे तो फैंस भी आता है, जो कि इनका बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैंस है, और यहाँ पे पॉम्प्स हुआ, और ये सारे जो कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप देखते हैं 80% का रेवेन्यू यहीं से देखने को मिलता है। उसी के साथ में और अगर बाकी सेगमेंट से देखेंगे तो कि लाइटिंग प्रोडक्ट से, यहाँ पे लाइटिंग प्रोडक्ट से कंपनी का 20% का सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी के साथ में अगर हम देखते हैं कंपनी का यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्ट आप आके देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पॉम्प्स वगैरह कंपनी यहाँ पे सेल करते हैं, उसके साथ में यहाँ पे जो कि यहाँ पे फैंस वगैरह भी है, उसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लायंस है, वाटर हीटर भी है, एयर कूलर भी है, और मिक्सर ग्राइंडर भी है, यहाँ पे किचन का भी कुछ सामान भी यहाँ पे ये करते हैं, उसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट भी कंपनी का यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पे देखेंगे तो फैंस का सेगमेंट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है 28% का देखने को मिलता है, और पंप का सेगमेंट से अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो 17% का देखने को मिलता है, और लाइटिंग सेगमेंट से अगर आप देखेंगे 8% का देखने को मिलता है, और वाटर कूलर का सेगमेंट से यहाँ पे 13% का देखने को मिलता है। तो उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बहुत अच्छा सा ब्रांड वैल्यू कंपनी का देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, देखिए 17,398 करोड़, यहाँ पे 17,398 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम आरओसी के बारे में बात करेंगे तो 18% का कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 0.38 है, मतलब 38% का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग 0 है, और यहाँ पे प्रमोटर प्लेज के बारे में अगर बात करेंगे तो प्लेज भी यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो देखिए कंपनी का यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो प्रमोटर प्लेज के बारे में बात हो रहा है, जो प्रमोटर प्लेज है और प्रमोटर होल्डिंग की जो बात हो रहा है, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है ना, प्रमोटर होल्डिंग में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्रांग हैंड्स में कितना परसेंटेज का होल्डिंग है, वो सारी चीज़ देखना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को अगर हम देखते हैं स्टॉक में, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे 510 से लेके 270 तक का आ चुका है, अराउंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे 50% तक का गिरावट हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद में कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हैं, 1.1% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, जो कि 1% से अबव है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी में 1% का अबव अगर डिविडेंड यील्ड रहता है तो बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे डिविडेंड का भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में कंपनी के सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 1791 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है, जो कि मार्च के क्वार्टर में, मार्च 2022 में यहाँ पे 1548 करोड़ का कंपनी का सेल्स था। सेल्स में तो कंपनी का एक ग्रोथ नजर आया, जो कि 1548 करोड़ से कंपनी का यहाँ पे 1791 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे
तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आया है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 15% का था, यहाँ पे जो कि 229 करोड़ का था, तो यहाँ पे 211 करोड़ हो चुका है। तो मतलब डिक्लाइन नजर आया है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। इसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे आके देखते हैं, 132 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो डिक्लाइन आया जो कि 177 करोड़ से यहाँ पे 132 करोड़ हो चुका है। तो उसी के साथ में अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ नजर आया है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं लास्ट 4 क्वार्टर में 476 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतना बढ़िया से यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ है, उसके वजह से स्टॉक में अभी तक रिकवरी नहीं आया। तो क्या ये स्टॉक में रिकवरी नहीं आएगा, इस चीज को देखने के लिए अगर बाकी पैरामीटर हम देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व देखिए, यहाँ पे 2533 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, और बोरिंग यहाँ पे 1000 करोड़ का कंपनी के पास में बोरिंग भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो कि पूरा स्ट्रांग हैंड्स में होल्डिंग है, जो कि 39.64% का तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, डीआई के पास में 44% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक को देखते हैं तो यहाँ पे जो 15.97 देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में निकाल देते हैं 2.5 है, तो अराउंड 13% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, स्टॉक में आके एक बार यहाँ पे इस लेवल पे एक बार जिस हिसाब से गिरावट हुआ इस लेवल पे एक बार बटन बनाया, ठीक है। इस लेवल पे बटन बनाने के बाद में स्टॉक में एक बहुत बढ़िया सा तेजी भी देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, यहाँ पे 3 दिन लगातार एक तेजी देखने को मिला, उसके बाद में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला लास्ट 2 दिन में। उसी के बाद में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या यहाँ पे कौन सा टारगेट तक हम लेके चल सकते हैं, इस चीज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे जो टारगेट सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे सीधा सीधा आप एक टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में किसी भी टाइम पे अगर तेजी आए तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा तेजी आ सकता है। क्योंकि स्टॉक में देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो 30 डेज का मूविंग एवरेज जो है ग्रीन कलर का लेवल है, जो कि ग्रीन कलर का लाइन है, तो यहाँ पे इसको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी टाइम पे अगर 30 डेज का मूविंग एवरेज के पास में अगर आप जाते हैं, उसके बाद में फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 30 डेज का जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला है यहाँ पे, अगर इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे 30 डेज का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में आके इस लेवल पे एक बार सपोर्ट ले सकता है 268 के लेवल पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो इस लेवल से बिल्कुल एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ये 30 डेज का मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है, ये एक अच्छा सा साइन है। उसी के साथ में अगर आप टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा आप एक टारगेट के लिए लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है यहाँ पे इस लेवल को, जो कि 424 का लेवल, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 424 लेवल तक आप लेके चल सकते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारा चीज़ बिल्कुल काम करता है, लेकिन हाँ 100% काम नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छे से कभी कभी काम करता है। और काफ़ी सारा यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी के बेस पे भी आप बिल्कुल यहाँ पे मार्कआउट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ मैं यहाँ पे अपना अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीज हम अब ज्यादातर यहाँ पे किसी भी अच्छे क्वालिटी को एक सही लेवल पे बाइंग करेंगे तो हमेशा अच्छा से पैसा बनता है। और दूसरी बात है किसी एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना ही बहुत जरूरी है, स्टॉक में जब तेजी आता है ना उस टाइम पे किसी ना किसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। यही सारी चीज मैं अपना ग्रुप में यहाँ पे डिस्कशन करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं ग्रुप में, यहाँ पे बिल्कुल नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर के साथ में आप बिल्कुल मेरे साथ में ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह नहीं करते हैं, हम हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में एक डिलीवरी बेस्ड यहाँ पे पोजिशन बनाते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग लेके चलते हैं, ठीक है ना। हमारा टाइम पीरियड कभी भी रह सकता है 3 मंथ्स 6 मंथ्स, और जरूरत पड़े तो अगर स्टॉक में अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं आया 9 मंथ्स 1 साल के लिए भी हम होल्ड करके चल सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पे इसी हिसाब से अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में अगर जाएंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन हम किसी भी स्टॉक में हमारा पोर्टफोलियो का 3% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो एक ही स्टॉक के अंदर में बड़ा एक्सपोजर रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो इस लेवल से लेके यहां पे 424 टारगेट तक अगर चलते हैं तो यहाँ से देखिए सीधा सीधा एक के 57% का आपको गेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट रहेगा 57% का गेन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर कभी भी जरूरत पड़े, अगर 1 साल भी होल्ड करना पड़ जाए, मेरे हिसाब से कोई
कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 57% का गेन के लिए 1 साल तो वेट कर ही सकते हैं, 1 साल या 1.5 साल भी अगर जरूरत पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना दिन नहीं लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई मतलब यहाँ पे 513 का टारगेट है, ठीक है। 513 टारगेट के लिए भी आप लेके चल सकते हैं। तो 513 टारगेट के लिए अगर आप चलते हैं, तो यहाँ से लेके वहां तक का जो टारगेट है, तो यहाँ पे 91% का आपको गेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे बिल्कुल आप ग्राब कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक में आपका पोजीशन साइजिंग 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चीज को सीखिए समझिए और अपना पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया से बिल्ड कीजिए, पक्का पैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट में डेली डेली कभी भी पैसे नहीं बनता है, इस चीज को जरूर नोट आउट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट में जब तेजी मतलब गिरावट होता है, उस टाइम पे गिरावट में मतलब अक्युमुलेट करके रहना है, ठीक है ना। हमेशा मैं इस चीज के बारे में ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंस दिया हूँ। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 पैसा जब नीचे आया था वहां पर हमने अक्युमुलेट करते रहे। आज एक दिन में यहाँ पे 12% का तेजी है। HDFC, MCA हम हमेशा अक्युमुलेट करते रहे, क्योंकि वो स्टॉक बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो वहां पे सब प्रॉब्लम क्या है, जब तेजी आएगा ना बहुत जबरदस्त तरीके से हमें फायदा मिलेगा, जैसे कि अभी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।